नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा, 30 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। परिवहन विभाग ने की कार्रवाई, नियम विरुद्ध पाए जाने वाले वाहनों का काटा चालान। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी पंकज सिंह को लगी गोली, बदमाशों के कब्जे से लूट की बाइक, तमंचा और कारतूस किया गया बरामद। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पर सहमति बन चुकी है। यूपी 112 के तीसरे स्थापना दिवस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम बनाने पर शासन में चर्चा हो रही है, जल्द ही शासन इस मामले में कोई फैसला लेगा। अगर दोनों जगहों पर कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है तो हथियारों के लाइसेंस देने समेत कई अधिकार पुलिस के पास होंगे। अभी तक ये सभी अधिकार जिला अधिकारी के पास हैं। आजमगढ़ जिले में पिछले दिनों ताबड़तोड़ लूट की घटनाओं को अंजाम देकर बदमाशों ने जहां पुलिस को खुली चुनौती दी थी, तो वहीं पुलिस ने डे लाइट मुठभेड़ में बदमाशों के हौसले को पस्त कर दिया है। गत शनिवार को पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश पंकज सिंह घायल हो गया है। वहीं उसके दूसरे साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल लूट की ताबड़तोड़ वारदात के बाद सक्रिय पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की घटनाओं में शामिल शातिर अपराधी पंकज सिंह अपने साथियों के साथ बाइक से किसी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए महनाजपुर की तरफ जा रहा है। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। वह बेलगांव के समीप बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। महाराष्ट्र में पालघर जिले के बोईसर में एक केमिकल फैक्ट्री में गत शनिवार शाम को आग लगने से विस्फोट हो गया। इस हादसे में 8 से 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त कई मजदूर फैक्ट्री में ही मौजूद थे। घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री कोलवाड़े गांव में स्थित है और यह विस्फोट गत शनिवार शाम करीब 7:20 पर घटित हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 25 से 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के कारण आसपास के कुछ इलाकों में खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 जनवरी को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 13 जनवरी को जांजगीर के नगर पालिका परिषद में चुने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 13 जनवरी को जांजगीर आएंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन की तैयारियों को लेकर आज जांजगीर कलेक्टर जनक पाठक और ASP पायल माथुर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। वहीं अलवर पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख कोतवाली थाना पहुंचकर कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाने में बने स्वागत कक्ष का निरीक्षण किया और स्वागत कक्ष में लगाए जाने वाले सामान के बारे में शहर कोतवाल से विस्तृत रूप से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मैस का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर कोतवाल आध्यात्मिक गौतम ने बताया कि थाने में आने वाले परिवादियों के लिए थाने पर बैठने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी और स्वागत कक्ष में ड्यूटी ऑफिसर बैठाया जाएगा और यहां आने वाले परिवादियों की शिकायत को सुनकर उसका निस्तारण किया जाएगा।
परिवहन कमिश्नर के आदेशानुसार राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज सुबह परिवहन विभाग द्वारा इंदौर रोड ग्राम पांडा गांव पर परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला द्वारा शासकीय अमले के साथ वाहनों की जांच की गई। वहीं नियम विरुद्ध पाए जाने वाले वाहनों का चालान भी काटा गया और चालान काट कर राजस्व वसूला जा रहा है। यह कार्रवाई आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए व्यामा भारत टीवी के साथ। नमस्कार।